गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज बहुत ही खास दिन है, गुड फ्राइडे तो है ही, बट उसके साथ साथ है अर्पित की बर्थडे। अब गुड फ्राइडे के दिन बर्थडे आई है तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? ईस्टर तक तो कुछ भी सेलिब्रेट हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने और अर्पित ने डिसाइड किया है कि जो सेलिब्रेशन करना है हमको वो हम ईस्टर के साथ में करेंगे। बट गुड फ्राइडे के दिन उनकी बर्थडे है तो हमें ऐसे भी नहीं जाने देना था, तो हम लोगों ने उसके लिए डिसाइड किया है कि हम चर्च के कुछ लोगों को पार्क में बुलाते हैं, गेट टुगेदर जैसा करते हैं, सबको खाना बना खिलाएंगे और उसके साथ साथ हम लोग मतलब प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। तो बर्थडे के दिन ऐसा गेट टुगेदरिंग और प्रभु की इतनी अच्छी आराधना वगैरह हो जाएगा तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है मल्टी कल्चरल लंच, क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन, फिलीपींस और हम इंडियन सब लोग हम अलग अलग कंट्री के वहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं और अपनी अपनी कंट्री के जो भी गॉड के गाने हैं वो गाने वाले हैं सब मिलके। बट कुछ गाने ऐसे हैं जो सारी कंट्री में सेम गाने हैं बट अलग अलग लैंग्वेज में है, तो वो गाने तो हम खास गाने वाले हैं। सब लोग अलग अलग गाने मतलब एक ही गाना है बट अलग अलग लैंग्वेज में है, ऐसे वाले गाने हम खास गाने वाले हैं। तो ये स्तुति आराधना का बहुत ही अच्छा हम लोगों ने डिसाइड किया है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बट इसके साथ में हम लोगों ने मैंने ये सोचा है कि अगर ये मल्टी कल्चरल है, मतलब मुझे मेरे देश का कल्चर के हिसाब से आज कुछ करना चाहिए, तो मैं जैसे हम लोग जो भी गुजराती क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग गुड फ्राइडे को वाइट कपड़े पहन के जाते हैं चर्च में और स्तुति आराधना करते हैं, वैसे ही मैं भी सोच रही हूँ कि वाइट कपड़े डालूँगी आज। अभी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज क्या क्या हम कर सकते हैं। We rise like tall buildings as a kid. बरसों से, बचपन से जैसे गुजराती क्रिश्चियन औरतें चर्च में जिस तरीके से साड़ी बांध के जाती है, मैंने बिल्कुल वैसे तरीके से ही साड़ी बांधने का ट्राई किया है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अर्पित के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लिया है, बहुत ही प्यारा टी शर्ट है ये, तो वो मुझे उनको देना है। तो मैं अभी तैयार होके जा रही हूँ अर्पित के पास ये उनको गिफ्ट करने, बट वो अभी तैयार नहीं हुए हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं लेंगी उनका। आमिन को देखो, उसको तो धीरज है ही नहीं, अभी से बैठ जाना है, अभी टाइम है, नैनी आएंगे बाद में जाना है, बट उसे तो अंदर ही बैठ जाना है। अभी हम लोगों ने सारी तैयारी कर दी है, यहाँ पर ये पिकनिक रग है, इसमें सारी डिस्पोजेबल आइटम्स है जो थाली, चम्मच, ग्लास, ऐसा सब चीज़ें जो ज़रूरत होती है वो, ये पूरी बैग भर के पानी की बोतलें हैं, और ये है पिकनिक की जो चेयर होती है वो, और इसमें सारा कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है हम लोगों ने, और यहाँ पर है हमारा खाना जो घर से हमने बनाया है वो, और तो कुछ सॉसेस है, और बाहर से पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है। तो ये हमारी पूरी आज की तैयारी है और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। अर्पित की मैं एंट्री दिखा रही हूँ। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू अर्पित। थैंक यू। और बताओ आज के दिन आप क्या बोलना चाहते हो? ये टी शर्ट फाल्गुनी ने दी है मुझे आज। पता नहीं कब जाके लेके आई। बट अच्छी लग रही है अर्पित, आप पे तो हर टी शर्ट अच्छी लगती है। चलो गाड़ी में बैठते हैं, एसी चालू करें। हाँ जी चलो, आमिन बैठ गया है तो हम लोग निकल रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। हमारे साथ आ गए हैं और हम सब साथ में मिलके जा रहे हैं। आमिन यहाँ बैठा है और मैं यहाँ।
hearts running wild. अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर पिज्जा कलेक्ट करने के लिए डोमिनोज में. अभी यहाँ पे देखो हैप्पी ईस्टर भी लिखा हुआ है और बनी एग सब कुछ है ना. कितना बढ़िया है. थैंक यू. ओ वीडियो मारे लाइट चालू करी. वाओ तो अभी खाना 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 से भर गया है हमारा पूरा गाड़ी. इसके ऊपर ही रख दो ना चलेगा. पड़ी जैसे. अच्छा आधे आधे रखो. एक काम करो सही है. अभी हम लोग पहुंच गए हैं पार्क और यहाँ अमन और अर्पित चीज़ें लेकर जा रहे हैं. कुछ चीज़ें टेनिस बैग निकाल रहे हैं और कुछ बैग मैं भी साथ में लेके चल रही हूँ. आमिन के लिए बॉल भी लिया है ताकि वो खेल सके. तो जो बाकी के लोग हैं वो अदर साइड है इसलिए हमें वापस जाना पड़ रहा है. हम लोग वापस गाड़ी में बैठ रहे हैं. चल तन बैसा डू आमिन. तो हम लोगों ने वापस सारी चीज़ें गाड़ी में रख दी है और हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं. अभी हम लोग दूसरी साइड आ चुके हैं और यहाँ पर सब लोग हमारा वेट भी कर रहे हैं. मैं दिखा रही हूँ आपको. देखिए ऐसे भी यहाँ पे तो बहुत सारी पार्टियाँ चल रही है. उस तरफ भी बहुत सारी पार्टी थी और यहाँ पर हमारी जो गैदरिंग है वो यहाँ पर है. मार्टी अंकल आप लोगों को हाय बोल रहे हैं. मैं बिछाने जा रही हूँ ये पिकनिक रग. अब बिछा दी है और अर्पित ओपन कर रहे हैं चेयर. मार्टी अंकल लोग अपनी चेयर लेकर आए हैं साथ में और हम लोग दूसरों के लिए भी चेयर लेकर आए हैं. I mean, that's the actual. आमिन की छोटी चेयर है ये. हाँ और यहाँ पर देखो बर्ड कितने प्यारे हैं. बहुत ही प्यारे बर्ड भी हैं. आमिन तो बहुत ही मजे करने वाला है आज. All your goodness and mercies as we grow older, as we partake of this food, we ask your blessing upon it and use it to our benefit and our good for you. We ask this in your precious name. और अभी हम यहाँ पर खाना अनपैक करेंगे. और फिर सबको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर और मैं सबका वीडियो ले रही हूँ. और आंटी यहाँ पर ये उड़ गया था तो उसको बिछा रहे थे. अभी आमिन गोल गोल घूम रहा है कि मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ. सोच रहा है वो भी. तो ऐसे मस्त तरीके से चल रहा है अभी हमारा ये प्रोग्राम. बहुत ही ब्लेसिंग वाला है. बहुत ही अच्छे से प्रार्थना वगैरह हुई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. As the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Stop, we're gonna
आमिन तू मम्मा में खाए थे हैं चीज पिज़्ज़ा खाए थे आमिन तू हम हैं आमिन प्लेन की आवाज सुन के ढूंढ रहा है कि प्लेन कहाँ पर है अंकल माजी वुड यू लाइक अ कोक नॉट अभी आमिर ने यहाँ पे बड़ को खाना खिलाना चालू कर दिया है तो सारे बड़ इकट्ठे होने लगे हैं अब आमिर को वही चाहिए वो बॉल खेलते खेलते यहाँ आ गया अब अर्पित और आमिर वहाँ पर गए हैं बहुत दूर तो पूरा गोल घूम कर आएंगे वो तो आमिर को लेके गए हैं तो अभी अर्पित आ गए हैं आमिन को लेकर यहाँ पर और अभी अभी मुझे मार्टी अंकल ने बताया है जो ये बर्ड घूम रहे हैं उनका नाम है रॉयल आइबिस अभी यहाँ पर बच्चों को खेलने की बहुत ही अच्छी सी जगह है इसमें पानी भरेगा और फिर वो ऐसे नीचे गिरेगा तो बच्चे नीचे खेलते भीग जाते हैं और ये देखो इसमें छोटे छोटे फवारे अलग अलग तरीके के सावर जैसे लगे हैं और यहाँ देखो जमीन पे छोटे फवारे और यहाँ ठीक सामने ही हम लोग बैठे हैं यहाँ यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी लगी हुई होती है तो लोग आते हैं और अपना खाना यहाँ पर ही गर्म करके या पका के खा सकते हैं आमिन देखो आंटी के साथ ही घूम रहा था पार्क घूम कर आ गया आमिन आंटी के साथ ये लोग कहाँ जा रहे हैं तो आइसक्रीम ट्रक है आज तो आइसक्रीम भी खाने को मिलेगी मैं कब से याद कर रही थी कि खाने के बाद कुछ डिजर्ट रह गया है लाने का बट देखो भगवान ने वो भी भेज दिया यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया रहा ये आमिन भी खुश हो गया है आइसक्रीम को देखकर तुझे खानी है आइसक्रीम खानी है ये सारे फ्लेवर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं नाम हम चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं और पूरा ये आइसक्रीम का ट्रक है ये अंदर बना रहे हैं किस तरीके से ये भी आप देख लीजिए आंटी जी बढ़िया तरीके से आइसक्रीम को सर्व कर रही है फिर ये पेमेंट हो रहा है ये बच्चे ना इतनी सारी आइसक्रीम हम लोगों ने ली है तो फाल्गुनी खिला रही है कौन चम्मच से देखो दूसरे लोग कचरा छोड़ के गए हैं ना तो अभी हमारे अंकल आंटी उसको भर रहे हैं तो ये है इन लोगों का आदत
दूसरों का भी काम करने में बिल्कुल शर्माते नहीं है। और ये देखो कैसे चल रहे हैं, फिर भी ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते हैं। यहाँ पर आरपी और आमिन गए हैं खेलने के लिए। देखो आमिन अपने आप इतनी बड़ी बड़ी चिड़िया चल रहा है। आमिन क्या आयो? चल 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 आमिन आमिन आ नहीं रहा है तो अर्पित अकेला आ गए उसको छोड़कर। अर्पित आ झाड़ आप जे झाड़ नीचे आप बैठा छे केटलू मोटू छे जो अहीं उभा रहो तो जोड़ा केटलू मोटू थोड़ियू छे जो नहीं। आमिन यहाँ पर मुझे लेकर आ गया है खेलने के लिए, अपना खिलौना का वो स्लाइडिंग कर रहा है और ऐसे मुझे वो खिला रहा है। वेरी गुड आमिन। यहाँ पे सारा पैकिंग चल रहा है, सब लोग पैकिंग में लगे हुए हैं। हाँ गाड़ी में चीजें रखने जाने के लिए सब रेडी हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ पैकिंग हो गया है और आधी चीजें गाड़ी में भी रख दी गई है, बट अभी तक आमिन नहीं आ रहा है, वो वहाँ पर ही खेल रहा है। बट क्या करे अब वो आ ही नहीं रहा है, अभी उसके पापा गए उसको बुलाने के लिए। देखो अब आने लगा है यहाँ पर। आज ये पार्क में ही मैं जब सबके साथ हूँ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ही मैं एंड करती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे आज हिस्सेदार थे ब्लॉग के, तो मैं इन लोगों के साथ ही ब्लॉग का एंड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ और कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। और मार्टी अंकल देखो आपको क्या बोल रहे हैं आज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अंकल मार्टी, थैंक यू सो मच। और मार्टी अंकल आप लोगों को बाय बोल रहे हैं।